मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था इसका कॉइल प्लेट खोलने के बारे में, जिसमें कि बहुत भाई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर इसमें कौन सा मैग्नेट कूलर लगेगी, इसका मैग्नेट कूलर कहाँ मिलेगा। तो शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था, मैंने बहुत बार टूल्स वाले से पूछा होंडा शाइन BS इस बाइक का मुझे मैग्नेट कूलर चाहिए। हालांकि ये होंडा की लीवो बाइक 110cc है और इसका शाइन और 110, 125 जो भी मॉडल है होंडा का सभी में एक जैसा ही मैग्नेट लगता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारे पास मैग्नेट कूलर देख रहे हैं ये आपके पास भी होगा, ये हर किसी के पास है। जितने भी मैकेनिक लोग हैं अपने अपने वर्कशॉप डाले हैं, जो पुराने मैकेनिक हो या फिर नए मैकेनिक लोग मैकेनिक हो, ये कूलर तो हर किसी के पास होता है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं, यानी कि ये जो कूलर है हीरो बाइक का है, हीरो 100cc बाइक का, जो कि हम 100cc वो सेल्फ वाली मॉडल देखते हैं पहले वाला, BS4 BS3 देखते हैं जिसमें कि सेल्फ नहीं होता है, विदाउट सेल्फ वाली जो बाइक होती है हीरो की 100cc वाली, या फिर CD100 कह सकते हैं, ये उस वाले मॉडल का मैग्नेट कूलर है। देख सकते हैं यहाँ पे हीरो लिखा हुआ, H लिखा हुआ है, तो यही वाला कूलर इसमें लगेगा। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ लगा के, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें उल्टा चूड़ी का दिया गया है, लूज करो इसको पहले, इसमें उल्टा चूड़ी का है। ये देखो उल्टा इसका गुना है, यही लग गया है ना भाई, ये जानकारी शायद आपको नहीं था, तो देख लिया कि हर किसी के पास ये कूलर होता है। जो भी नए वर्कशॉप डालेगा, जो पुराने वर्कशॉप वाले हैं, हर किसी के पास, हर मैकेनिक के पास, हर जगह ये उपलब्ध होता है। अगर आपके पास ये टूल्स नहीं है तो वैसे ले सकते हो, लिंक आपको सामने दिखाई दे रहा होगा।